चलिए अब नर्स इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। नर्स भाई साहब बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन थे। अब नर्स भाई साहब क्या थे, नर्स भाई साहब ऐसे थे कि इन्होंने क्या किया, इन भाई साहब ने, कि अगर मान लो आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, मतलब प्रेशर 180 नहीं है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन 1 कैपिटल M नहीं है, इन दैट केस आप कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो नर्स इक्वेशन को यूज करते हुए निकालोगे। ठीक है, अब नर्स इक्वेशन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्स इक्वेशन क्या होती है, मान लो कि कोई आपके पास सेल है, हाफ सेल, उसमें एम प्लस एन एक आयन है जिसने एन इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, सॉरी एन इलेक्ट्रॉन गेन किए और एम में कन्वर्ट हो गया, तो आप देख रहे हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, इसका मतलब एम का एम प्लस एन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, एम प्लस एन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इन दैट केस अगर आप नर्स इक्वेशन निकालना चाहते, मतलब नर्स इक्वेशन इस पर अप्लाई करना चाहते हो हाफ सेल के ऊपर, नर्स इक्वेशन, और अगर आप इस हाफ सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कोई जरूरी है 298 हो, प्रेशर कोई जरूरी नहीं है कि 180 हो, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कैसे निकालोगे, दैट इज ईएमएफ इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू ईएमएफ इन स्टैंडर्ड कंडीशंस माइनस गैस कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इलेक्ट्रॉन, जो कि एन ये दे रखा है आपको, एफ का मतलब होता है फेरेड, एलएन का मतलब होता है नेचुरल लॉग, ऊपर आएगा एम का कॉन्सेंट्रेशन, नीचे आएगा एम प्लस एन का कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को अधिकतर 1 ही लिया जाता है, तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का, बट दैट डिपेंड्स कि एम सॉलिड है कि कौन सी फॉर्म में है, अगर सॉलिड फॉर्म में तो एम को 1 काउंट करते हैं, आर गैस कॉन्सेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314, एफ की वैल्यू होती है 96500 कूलम, और अगर आप टेम्परेचर मान लो 298 रख देते हो, इफ यू आर पुटिंग टेम्परेचर एट 298 केल्विन, तो ये थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी, कैसे, तो अब मॉडिफाई कैसे होगी उसको अपन आगे समझते हैं, लेकिन ओवरऑल नर्स इक्वेशन जरा आप चेक करो, नर्स इक्वेशन कैसे लगाई जाती है, फाइनली नर्स इक्वेशन लगाई जाती है, दैट इज ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आरटी अपॉन एनएफ लॉग ऑफ क्यू, भी कहते हैं क्यू क्या है यहां पर, बेसिकली क्यू है रिएक्शन कोफिशिएंट, अगर मान लो ये केमिकल रिएक्शन है तो उसका रिएक्शन कोफिशिएंट कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, फिर नीचे किसको लेना, नीचे रिएक्टेंट को लेना और उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, खत्म कहानी, ऊपर प्रोडक्ट लेना है और नीचे रिएक्टेंट लेना है, प्रोडक्ट की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगानी है यहां पर रिएक्टेंट की स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगानी है, खत्म कहानी। ठीक है, तो ये मतलब निकलता है इसका नर्स इक्वेशन का। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, नर्स इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अगर मान लो कि आपका टेम्परेचर है 298 केल्विन, अगर आपने टेम्परेचर 298 केल्विन रख दिया, क्योंकि ज्यादातर अधिकतर कंडीशंस में टेम्परेचर यही रहता है, और अगर मान लो आप लोगों ने आर की वैल्यू रख दी, जो आर की वैल्यू दी हुई थी कौन सी 8.314, और अगर मान लो आपने एफ यानी फेरेड का वैल्यू रख दिया 96500, ये वैल्यू रखने के बाद आपकी सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा ये, लेकिन ये सिर्फ 298 केल्विन टेम्परेचर पर ही ये इक्वेशन काम आएगी, अगर इसके अलावा टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो आपको पिछले वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, और अगर ज्यादातर वैसे 298 दिया होता है, इन दैट केस फाइनल नर्स इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज ई सेल व्हिच इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, लॉग ऑफ क्यू, क्यू क्या है यहां पर, बेसिकली दैट इज रिएक्शन कोफिशिएंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, खत्म कहानी। अब मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम के केस में सेल कभी काम नहीं करता, क्योंकि वहां पर केमिकल रिएक्शन में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो सेल काम नहीं करेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ही नहीं आ रहा है, इन दैट केस ई सेल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इन दैट केस क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, रिएक्शन कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, सेल कांस्टेंट के, के का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके बराबर हो जाएगा, तो आप उसी इक्वेशन में ई सेल का वैल्यू जीरो रख दो, तो आप इस इक्वेशन में ई सेल का वैल्यू जीरो रख दो, क्यू की वैल्यू के बराबर रख दोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा, वेरी सिंपल, तो आप लोग याद रखना है कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे ई नॉट सेल व्हिच इज इक्वल टू 0.059 बाय एन लॉग ऑफ के हो जाता है, क्योंकि ई सेल का वैल्यू जीरो हो जाता है, याद।